अच्छा, तो आज हम लोग बात करेंगे पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की। तो ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये कैसे प्रेजेंट करता है? प्रेजेंट है सॉलिटरी कोल्ड नोड्यूल, सॉलिटरी कोल्ड नोड्यूल की तरह प्रेजेंट करता है, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग कोल्ड नोड्यूल मतलब जो उतना तेजी से डिवाइड ना करे, हॉट नोड्यूल मतलब तेजी से जो डिवाइड करे। तो प्रेजेंट है सॉलिटरी कोल्ड नोड्यूल की तरह प्रेजेंट करता है। इन मोस्ट केसेस प्राइमरी थायराइड नोड्यूल इज एसिम्प्टोमैटिक, और ये एसिम्प्टोमैटिक होता है प्राइमरी थायराइड नोड्यूल। इसका जो एज में इंसिडेंस कौन सा होता है, तो 20 to 40 ईयर्स के एजेस में कॉमन रहता है। इसका स्प्रेड होता है वाया लिम्फैटिक रूट और प्रोग्नोसिस की होती है एक्सेलेंट, ठीक है ना। तो इसकी अपन एक ग्रॉस फाइंडिंग अपन देखने की ग्रॉसली कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड है, तो पुअरली इनकैप्सुलेटेड है, ठीक है ना। ये मतलब इनकैप्सुलेटेड उतना अच्छा नहीं है, मतलब कि पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड है, तो ऐसा कुछ हमें स्पेसिफिक नहीं देखने मिलेगा। बिल इल डिफाइंड मार्जिन है, ठीक है ना, उतना अच्छे से इनकैप्सुलेटेड नहीं, क्योंकि पैपिले के फॉर्म में, पैपिले के फॉर्म में उतना अच्छे से इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आता। इन्फिल्ट्रेशन इसलिए क्या कर जाएगा, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा सराउंडिंग पैरेन्काइमा में, इन्फिल्ट्रेशन दिखा देंगे सराउंडिंग पैरेन्काइमा में, और पैपिलरी एक्सक्रीडेंसेस हमें देखने को मिल जाएगी। पैपिलरी का प्रोजेक्शन जो होती है एक्सक्रीडेंसेस, उसको देखने को मिल जाएगी इसमें। अब इसमें कुछ म्यूटेशन होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटेड म्यूटेशन इन पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। तो दो फॉर्म की म्यूटेशन होती हैं, क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन हो सकता है या पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग रेड प्रोटोन्कोजीन इनकोडिंग टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, यहाँ पे रेड प्रोटोन्कोजीन का ट्रांसलोकेशन हो सकता है, इनकोड करता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर वालों को। और एक्टिवेशन इसका किसके होता है, एक्टिवेशन ऑफ मैप के ईआर के पाथवे का इसमें एक्टिवेशन हो जाता है, मैप के ईआर के पाथवे का, और रेड प्रोटोन्कोजीन का क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। द फ्यूजन ऑफ ऑन्कोप्रोटीन जनरेटेड आर टर्म्ड एज रेड पीटीसी, ठीक है। जो फ्यूजन ऑन्को प्रोटीन्स होते हैं जनरेटेड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, द फ्यूजन ऑन्को प्रोटीन्स आर टर्म्ड एज रेड पीटीसी प्रोटीन एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेट रेड। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेट करते हैं किसको, रेड को एंड द डाउनस्ट्रीम मैप ईआर के पाथवे। ये एक्टिवेट करते हैं रेड को भी, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेट करते हैं किसको, रेड को, रेड मतलब आपकी रेड जीन को, और डाउनस्ट्रीम मैप ईआर के पाथवे को भी, ठीक है ना। ये दोनों को ही एक्टिवेट करते हैं, मैप के ईआर के पाथवे को, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर कुछ ना समझ में आया तो लिख देना एक्टिवेशन ऑफ मैप के ईआर के पाथवे एंड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग रेड प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड पीटीसी ट्रांसलोकेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है ना। ये रेड पीटीसी ट्रांसलोकेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन पैपिलरी कैंसर अराइजिंग चिल्ड्रन आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है ना। पोस्ट रेडिएशन में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंटली हायर इन चिल्ड्रन आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन एक्सपोजर के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन होने की बढ़ जाती है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इसकी एक ट्रू पैपिलरी, पहले तो दो चीज़ें आएंगी अपन, ट्रू पैपिलरी स्ट्रक्चर होता है, इसके न्यूक्लियर डिटेल्स फिर बाद में देखेंगे अपन। तो इसके ट्रू पैपिलरी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है, एक जैसे जाएंगे ना पैपिलर के अंदर एक सेंट्रल फाइब्रोवैस्कुलर कोर बन जाएगा, लाइन बाय सिंगल और मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल सेल, तो लाइन बाय सिंगल टू मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल सेल, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे, ठीक है ना। थायराइड फॉलिकल है तो हमेशा याद रखिएगा, थायराइड फॉलिकल में कौन से सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। मल्टी सिंगल लेयर हो सकते हैं या मल्टीपल लेयर इसका हो सकता है। इसका न्यूक्लियर डिटेल्स, इसकी डायग्राम की मैं आगे बात करूँ, डायग्राम में आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की समझा दूंगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर डिटेल्स देख लें, आर डायग्नोस्टिक इन पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। न्यूक्लियर डिटेल्स जो होती है इसकी, देखो डायग्नोस्टिक कौन किससे बनाओगे, अपनी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसकी न्यूक्लियर डिटेल्स के कारण बनाओगे, ठीक है ना। फाइन डिस्पर्स क्रोमैटिन ऑप्टिक ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऑप्टिकली ये एक क्लियर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। इसमें क्रोमैटिन जो है फाइन होता है, डिस्पर्स होता है, ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियस होता है, ठीक। फाइन डिस्पर्स क्रोमैटिन मतलब कि बहुत ही फाइन होता है, क्रोमैटिन जो है फाइन होता है, ऑप्टिकली क्लियर न्यूक्लियस होता है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस होता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियस होता है इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूक्लियर ग्रुप्स होते हैं, न्यूक्लियर ग्रुप्स इंटर न्यूक्लियर ग्रुप्स होते हैं, कॉफी बीन अपीयरेंस देते हैं इसको, कॉफी बीन मैं समझाऊंगा इसको। इंटर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक के इंक्लूजन्स आ गए, समूमा बॉडीज मिलेगा डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन के कारण, डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन हो जाता है तो समूमा बॉडीज मिल जाता है। सिस्टिक चेंजेस मिलेंगे इसमें, सिस्टिक चेंजेस कुछ कुछ हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ सिस्टिक चेंजेस मिलने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब न्यूक्लियर डिटेल्स हैं इसके।
इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो इसकी माइक्रोस्कोपिक, पहले तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो पैपुलर, ट्रू पैपुलर है, ट्रू पैपुलर है सेंट्रल, ठीक है ना। तो ये समूहा बॉडीज है, ठीक है, जो समूहा बॉडीज की मैं बात की थी, समूहा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। और ये, और यहाँ पे जो है ना ये तुम्हारा सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो गया, ठीक है ना, सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो सकता है, ठीक है, सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो गया और ट्रू पैपुलर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। लाइन भाई, ये किस लाइन होता है तुम्हारा, किस लाइन होता है, ये किस लाइन होता है तुम्हारा, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर की बॉडी सेल्स पे। और न्यूक्लियर फीचर्स में मैंने बताए थे, इंट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हो सकते हैं यहाँ पे, ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस हो सकता है, पेल मतलब कि फाइन थिन डिस्ट्रपर्स्ड ये क्रोमैटिन होती है, न्यूक्लियर ग्रूव्स होते हैं, न्यूक्लियर ग्रूव्स होते हैं, तो इसको कॉफी बीन अपीयरेंस भी कहते हैं, कॉफी कॉफी बीन अपीयरेंस, ठीक है ना, कॉफी बीन अपीयरेंस कह देंगे। और इंट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है ना, और ये डायग्नोस्टिक होता है, बेसिकली ये डायग्नोस्टिक होता है, ठीक। और इसमें समूहा बॉडीज भी मिल जाते हैं ड्यू टू डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स की अपन बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कि हिस्ट्री ऑफ नेक एंड हेड एंड नेक रेडिएशन, ठीक है, हेड एंड नेक के रेडिएशन कार्ड, पोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर के कार्ड हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री कोई हो गई तो फैमिली हिस्ट्री में मेंटू सिंड्रोम, काउडेन सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम हो सकता है, एज जो कि 20 साल से कम या 70 साल से ज़्यादा में जो इसके रिस्क फैक्टर्स जो ये होते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर्स के केसेस में इसका एज जो है 20 साल से कम या 70 साल से ज़्यादा ये केसेस में हो सकता है। और आपका मेल जो होता है, मेल सेक्स में ज़्यादा होता है, रैपिडली ग्रोइंग नोड्यूल होता है, और हार्ट सॉलिटरी नोड्यूल होता है मोर देन 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो जैसे ये क्या होता है, रैपिडली ग्रोइंग, बहुत जल्दी ग्रो करता है, एज इन कैंसर है तो जल्दी ग्रो करेगा। हार्ट सॉलिटरी नोड्यूल होता है, एक सॉलिटरी नोड्यूल बनता है मतलब कि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा का, लेकिन इसकी इररेगुलर बाउंड्री होती है, पुअरली इनकैप्सुलेटेड होता है। एक चीज़ ये याद रखना कि क्या इसमें हमने बताया था आपको कि ये इररेगुलर मतलब पुअरली इनकैप्सुलेटेड, वेल डिफाइंड मार्जिन और पैपिलरी एक्सटेंडेंसेस देखते हैं। फिक्स नोड्यूल होता है, सर्वाइकल एडिनोपैथी देखते हैं, और परसिस्टेंट हॉर्सनेस, डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, ये आपकी जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कोई भी अगर ट्यूमर होता है तो ये क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा कि भाई हॉर्सनेस हो गया ड्यू टू रिकरेंट नाइरिजियल नर्व का कंप्रेशन के कारण से, ठीक है, डिस्फोनिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्फेजिया के ऊपर उसका इसोफेगस का कंप्रेशन हो गया, डिस्निया हो सकता है अट्रैक मतलब कि जो एयर रेस्पिरेटरी एयरवे है उसके ऑब्स्ट्रक्शन का अट्रैक या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आपका पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।